The DG should have been sacked by now. Because जो इस वक्त हो रहा है पिछले 32 months में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के DG हैं he is more, you know, busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए. आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है. यूएपीए कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा रेड्स किए जाए. यहां पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड कभी इनकम टैक्स का रेड. हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे. बार एसोसिएशन, उनको जेल में डाल क्यों, क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे. तो ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी. हमारे पास यहां पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया. यहां सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है. आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे. कौन होते हैं वो लोग? मेजोरिटी कम्युनिटी के मिलिटेंसी का इल्जाम देके हर चीज में आपने कम्युनलिज्म को लाया है. इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है. इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा. जिस पार्टी का ये एजेंडा यहां चलाना चाहते हैं इनको मालूम होना चाहिए. जो उनका आइडियोलॉग था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एलके अडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला या जो लोग इस दुनिया में नहीं है उन सबके साथ उन्होंने डायलॉग किया. और दैट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहां के लोगों ने उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था. उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहां की एजेंसी कश्मीरी लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी. आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहां बकौले इनके मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ क्या है. अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस हो तो फिर अल्लाह ताला. मगर वहां का जो इलेक्शन जीता गया वो रावशुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहां चलाई गई, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए. वहां जो लोग इस मुल्क के साथ खड़े थे, चाहे वो उमर साहब थे या सजाद दिनी लोन साहब थे, उनको लोगों ने वोट नहीं डाला, बल्कि उस सेंटिमेंट को वोट डाला जिस सेंटिमेंट को ये बंदूक के बलबोते पे खत्म करना चाहते हैं. ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है. यू शुड हैव रिजाइंड देन. उसके बाद इतने लोग रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के. किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने के, पर कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है. उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है. भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? सारे हुर्रियत के लीडर या तो वो चले गए दुनिया से या जेलों में आपके बंद हैं. आपने तो यहाँ के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है. चाहे जर्नलिस्ट हो, बार एसोसिएशन हो, बिजनेसमैन हो, कोई मीडिया पे लिखता है सोशल मीडिया पे उसको जेल में डाल देते हो आप. यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल. आपने यहां की, यहां से कहते हैं मिलिटेंसी खत्म है, तो यहां तो आपने अपने लोगों के साथ जंग छेड़ दी है. लोग तो दर बदर फिरते हैं. अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो वेरिफिकेशन उसको नहीं दे. तुम्हारा जी कोई बाप का रिश्तेदार था, मिलिटेंट था वो, चाहे वो जान बहा क्यों ना हुआ हो, किसी को पासपोर्ट नहीं देते हैं. सारा निजाम बिगाड़ के रखा है. वी डोंट नीड अ फिक्सर, वी नीड अ डीजी हियर. और ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहां जो एलजी साहब हैं, कि यहां पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहां से ताबूत में वापस चले जाते हैं. और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है, तो जम्मू में क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये
इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है, कोई मुसलमान है, कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हुआ? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहां पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है, क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में आपके मुंह पे, जब वहां के लोगों ने रायशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। यहां के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके द हेड शुड रोल। मैम, डीजी साहब ने कल कहा कि मेन स्ट्रीम वही सवाल पूछ, मेन स्ट्रीम जो है वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेटेड थी, पाकिस्तानी आइडियाज से सिविल सोसाइटी को इन्फिल्ट्रेट किया था और मेन स्ट्रीम जो है वो हॉबनॉबिंग कर रही थी पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, और सेपरेटिस्ट को पैंडर कर रही थी। बहुत बड़ा एलिगेशन है और ये किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट ने नहीं कहा है, डीजी ने कहा है, डीजीपी ने। मेरे भाई, पिछले 6 साल से मैंने कहा यहाँ बीजेपी का डायरेक्ट रूल है, यहाँ बीजेपी का नैरेटिव चल रहा है, यहाँ सब चंगा है 370 खत्म करने के बाद। यहाँ इनका नैरेटिव चल रहा है रोज ईडी की, SIU, SIA की रेट्स पड़ती है, इनकम टैक्स की रेट्स पड़ती है। आप बात नहीं कर सकते हो, कुछ दिखा नहीं सकते हो, सारा इनके कंट्रोल में है, हम तो है ही नहीं यहाँ। सारे मिलिट्री जो हुर्रियत लीडर हैं या जेलों में हैं या मर गए हैं, तो फिर 6 साल से ये क्या कर रहे हैं? 6 साल से यहाँ लोग क्यों मारे जाए नॉर्थ कश्मीर में? 6 साल इनकी हुकूमत के बावजूद क्यों लोगों ने प्रेफर किया उस आवाज के पीछे खड़ा होना जो यहाँ रायशुमारी पेल्विस है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करती है, बजाय इसके कि वो जो नेशनलिस्ट फोर्सेस वहां लड़ रहे थे उनके साथ खड़ी है? इनकी नाकामी नहीं है। अब ये अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं, दे वॉन्ट हाइड बिहाइंड मेन स्ट्रीम एंड रीजनल पार्टीज, अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। ही शुड बी सैक्ड। मैडम, क्योंकि आपने जो अभी हमने इंफिल्ट्रेशन की बात की है, जब यहाँ की मेन स्ट्रीम की बात देखते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि बातचीत सबसे बड़ा रास्ता है, हर चीज का मसला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिस्पॉन्ड मिलता है कि भैया बात किससे करें, उस पाकिस्तान से जो वहां से एलके अडवाणी ने क्या किया, वो तो उस वक्त इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, उस वक्त क्या हो रहा था जब एलके अडवाणी डिप्टी प्राइम